Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि हम लोग ने WWE के नाइट ऑफ चैंपियंस 2023 के प्रीमियम लाइव इवेंट में देखा कि जो कि हमारे जिमी उसो गाइस उन्होंने धोखा दे दिया उनके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को और उन्होंने अटैक किया रोमन रेंस को ही नाइट ऑफ चैंपियंस के और जिसके वजह से रोमन रेंस और सोलो सिकोवा उनका अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी हार गए। तो क्या ये हमको पॉसिबली इंडिकेट कर रहा है कि हमको शायद से अभी जिमी उसो नेक्स्ट इन लाइन होते हुए देख सकते हैं रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप WWE के बहुत ही बड़ा वाला फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, जैसे कि हमने गाइस नाइट ऑफ चैंपियंस में देखा कि गाइस रोमन रेंस को धोखा मिल गया उनके ही भाई जिमी उसो थे और गाइस अभी शायद से रिपोर्ट्स आ रही है गाइस हमको जल्द ही रोमन रेंस और सोलो सिकोवा एक साइड और द उसोस एक साइड होते हुए दिखने वाला है। लेकिन गाइस अभी ऐसे चीज हो रही है गाइस WWE का ओरिजिनल प्लान था कि वो मनी इन द बैंक में तो उसोस वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा का टैग टीम मैच करने वाले थे। अभी गाइस क्या हो रहा है कि गाइस रिपोर्ट शायद से ये आ रही है, रूमर्स भी थोड़े-थोड़े आ रहे हैं कि शायद से गाइस WWE ये मैच को थोड़े वक्त के लिए रुक के रख सकती है और वो अभी के लिए गाइस जिमी उसो वर्सेस रोमन रेंस का मैच कराते हुए देख सकती है हमको फॉर ए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट मनी इन द बैंक। क्योंकि गाइस बात ऐसे चल रही है कि अभी जो मोमेंटम गाइस जिमी उसो को मिल रहा है गाइस वो पॉसिबली एक सिंगल्स मैच हो सकता है रोमन रेंस करने। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा था कि मुझे लगता है कि एक सिंगल्स मैच बहुत ही अच्छा रहेगा बिटवीन जिमी उसो एंड रोमन रेंस क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि गाइस अभी गाइस टैग टीम मैच बहुत ही जल्दी हो जाएगा गाइस उसको थोड़ा दो टीम प्रीमियम लेवल के बाहर होना चाहिए। गाइस मुझे लगता है गाइस पहले मनी इन द बैंक में जिमी उसो फेस करनी चाहिए रोमन रेंस को और फिर समरस्लैम में जे उसो जैसे कि गाइस स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छे से बनेगी क्योंकि दो तीन साल की स्टोरी लाइन है और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन है तो डेफिनेटली गाइस फैंस को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि WWE वालों को गाइस अभी जिमी उसो वर्सेस रोमन रेंस का मैच करना चाहिए एज मनी इन द बैंक फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब एंड में बात करते हैं कि अगर रोमन रेंस मैच में हार सकते हैं तो नो चांस रोमन रेंस ही ये मैच में जीतने वाला है। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।